तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम चौहान, यू वॉचिंग इसके कार वर्ल्ड। और सामने अपने हैं ह्युंडई की एक्स्टर नई जो अभी आई है। ये एंट्री सेगमेंट की एसयूवी आप इसे बोल सकते हो। एक्स्टर इसका नाम है और एसएक्स सेकंड टॉप वेरिएंट है। और अगर बात करें इसके की तो की आपको इसके अंदर दो मिल जाती है, जो कि रिमोट की इसके अंदर आपको मिलती हैं, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक और बूट का इसके अंदर आपको की जो है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की। डिज़ाइन लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके हेडलाइट यूनिट की। देखो, हेडलाइट यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारी नज़र जाएगी सबसे पहले इसके खूबसूरत से, जो यहाँ पर आप देख रहे हो DRLs। एक्चुअली ये जो ना एच शेप में ये DRLs है, और जस्ट इसके जस्ट पीछे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको इसका इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि हेलोजन में मिलता है, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज सामने जो है ये DRLs है। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ही प्रोजेक्टर बल्ब मिलता है, जो कि LED के अंदर है। ये इसके हाई बीम और लो बीम के लिए यही काम करता है। और इसके नीचे अगर यहाँ पर देख रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं मिलता। अब इसके फ्रंट ग्रिल की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको डायमंड पैटर्न जो है वो दिए गए हैं, जो कि Hyundai की जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके हिसाब से, और काफ़ी ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक के अंदर ये लगते हैं। इसके ऊपर जस्ट देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा का लोगो मिल जाता है। और Hyundai ने क्या किया है कि अपना जो लोगो है वो उसे यहाँ से हटाकर अब बोनेट पे देना शुरू कर दिया है, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम फील जो है वो देता है। अब बात करते हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको इसके वेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे हो ये जो एलिमेंट है ना, ये इसको SUV टाइप जो फील करने के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसका प्लेट टाइप इसे दिया गया है, जो रियर जो इसका बम्पर है उसके अंदर। फ्रंट में किसी भी प्रकार के कोई पार्किंग सेंसर जो है फ्रंट के अंदर वो आपको नहीं मिलता, और टोइंग हुक की जगह जो है वो आपको इस तरफ यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक जो है, बॉक्सी लुक इसे दिया गया है। ये जो कार है ये आपको टाटा पंच का जो सेगमेंट है माइक्रो XUV उसके अंदर आपको मिलता है। देखो, पंच तो आप सभी को पता है, जो टाटा पंच है वो 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, लेकिन ये जो कार आप पर्टिकुलर देख रहे हो, जब ये लॉन्च इवेंट था उसका, तो Hyundai ने जो है सेफ्टी को लेकर काफ़ी बात की थी, और ग्लोबल NCAP के बारे में भी काफ़ी बात जो है उन्होंने की थी। उन्होंने बात की थी कि जो इस सेगमेंट की जो और कार जो ऑलरेडी मार्केट में है वो जो है ग्लोबल NCAP के नए जो नोब है उनके हिसाब से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के अंदर नहीं आती, बिकॉज जो टाटा पंच इसकी जो राइवल है उसको जो 5-स्टार रेटिंग मिले वो पुराने नोब के हिसाब से मिले हैं ग्लोबल NCAP के, लेकिन उसके अंदर जो है 2 एयरबैग आपको मिलते हैं, इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। इसकी सेफ्टी रेटिंग जो है अभी तक नहीं है ये, तो उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं बोल भी नहीं सकता। जब इसकी सेफ्टी रेटिंग आएगी तो आई होप कि ये जो है पर्टिकुलर कार जो आप सामने देख रहे हो ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करे, जिससे हमारी भारतीयों के लिए जो है बहुत गर्व की बात होगी, काफ़ी अच्छी बात होगी। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की साइड से। देखो, साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी कार ये एक्चुअली लगती है। व्हील बेस की बात करें तो पंच से ज़्यादा इसके अंदर आपको व्हील बेस मिल जाता है। अगर हम बात करें हाइट की तो पंच से ज़्यादा इसके अंदर आपको हाइट मिल जाती है। देखो, फ़र्क तो 19-20 का ही है, लेकिन हाँ फ़र्क तो है। अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। देखो, टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको R15 इंच का इसके अंदर आपको टायर जो है वो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अलॉय व्हील की। तो अलॉय व्हील की अगर हम बात करें तो इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली मिलता है। देखो, बॉक्सी डिज़ाइन भी इसके अंदर मिलता है, ये आप देख रहे हो, फिर ये और फिर ये, तो बॉक्सी डिज़ाइन भी दिया गया है। और फ्रंट में आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक जो है वो ही मिल जाती है। अब क्योंकि ये SUV बनाई गई है तो इसके अंदर आपको इसका जो सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो भी आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है। और जो इसके हम पना टायर के ऊपर, ये काफ़ी बड़े बड़े जो रगिड फील कराने के लिए दिए गए हैं, ब्लैक एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल जाता है मैट फिनिश के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके ORVM की। अब ORVM की बात करें तो ये डिसेंट इनफ आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर जो है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, फेंडर पे जो है इंडिकेटर आपको नहीं मिलता। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी की, तो देखो इसका जो मिरर है ये काफ़ी आपको बड़ा मिल जाता है, तो विजिबिलिटी वाइज आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होगी। एक बात जो मैं Hyundai से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इंडिकेटर दिया है वो इतना दिया है, मेरा मानना था कि ये जो आप देख रहे हो ना, इसे इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लगा दो तो ये इसकी हाइट जो है कम से कम इतनी हो जाएगी, और देखने में काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब बात कर लेते हैं
डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल के अंदर आपको इसके अंदर रिवर्स सेंसर, रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। और फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको इसके अंदर रूफ रिल भी जो है वो भी मिल जाती है। एक्चुअली देखो ये फंक्शनल तो नहीं है, बिकॉज इसके अंदर आपको जो है वो सनरूफ मिल जाता है, इसलिए फंक्शनल तो नहीं, लेकिन हाँ देखने में जो है बहुत ही अच्छी जो है ये लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की डिज़ाइन लैंग्वेज की। देखो पीछे की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर वही जो डायमंड पैटर्न जो है वो इसके अंदर जो है कंपनी देती ही है, जो कि होंडे की जो है नई डिज़ाइन लैंग्वेज आप इसे कह सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके रियर की। देखो रियर की अगर हम बात करें तो देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, देखने में काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है। इसकी जो है टेल लाइट है वो भी बॉक्सी डिज़ाइन में आती है, और ये फ्रंट जो इसकी हेडलाइट है उसी की तरह डिज़ाइन की गई है। इसके देखो पीछे देखोगे तो आपको एक बल्ब जो है एलईडी के अंदर वो मिल जाता है, यहाँ पर आपको एलईडी के अंदर सॉरी बल्ब जो है हेलोजन के अंदर है, और बाकी जो है आपको एलईडी सेटअप मिलता है। उसके बाद आप रिवर्स लैंप देखोगे तो वो भी आपको हेलोजन में मिलता है, और आप इंडिकेटर देखोगे तो वो भी आपको हेलोजन के अंदर ही मिलता है। यहाँ पर इसके वेरिएंट SX की जो वेरिएंट है वो वेरिएंट की बेजिंग जो है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको ह्यूंडई का लोगो जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्स्टर की बेजिंग जो है वो मिल जाती है। वाइपर डिफोगर जो है वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिलता है, और इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना स्पॉइलर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन जो है ना ये काफ़ी अच्छा दिया गया। देखो नॉर्मल जो क्या है कार कंपनी क्या करती है, ये जो स्पॉइलर है ये दे देती है, लेकिन इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इसको क्या ही खूबसूरत जो है फील जो है इसको पीछे से देते हैं। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, एक आपको मिलता है यहाँ पर। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो अगर आप कहो तो वो भी आपको इसके अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। देखो बूट स्पेस जो है अपने आप जो उसका बूट लीड है अपने आप ओपन हो जाता है, उसकी वजह है ये जो इसके हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ये दिए गए हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो 391 लीटर का बूट स्पेस जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन देखो मैं एक फैक्ट जो आपको बता देता हूँ, 391 लीटर आपको यहाँ तक मिलता है, ठीक है, ना कि यहाँ तक। तो अभी तक ऑफिशियली जो है ना वो इसका बूट स्पेस यहाँ तक जो है ना इसकी पार्सल ट्रे तक वो आया नहीं है। यहाँ तक की बात करें तो 391 लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ की तो जो ये आप देख रहे हो ना बूट स्पेस, ये आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर जो है वो मिल जाता है। अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर 14 इंच का मिलता है, यानी कि एक प्रोफाइल आपको इसके अंदर छोटा स्पेयर व्हील जो है वो मिलता है। इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको बूट लाइटिंग जो है वो मिल जाती है, और अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक टोइंग हुक जो है वो भी मिल जाता है। पार्सल ट्रे की क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मजबूत है, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनाई हुई है, अच्छे प्लास्टिक की। और बूट हुड की अगर बात करें तो ये आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर मिलता है, यहाँ पर आपको इसको बंद करने के लिए जो है जगह वो भी मिल जाती है। चलिए बूट को करते हैं बंद और बात करते हैं इसके रियर सीट की। अब देखो रियर सीट जो है आप ये देखो, इसके अंदर 6 एयरबैग की जो है बेजिंग इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब चलते हैं इसके रियर सीट में। रियर सीट से पहले हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड डोर के ओपनिंग की। अब डोर ओपनिंग की बात करें तो अच्छी खासी वाइड आपको इसके अंदर डोर ओपनिंग जो है वो मिल जाती है, किसी प्रकार की आपको बैठने में उतरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके डोर ट्रिम की। तो पहली बात इसका जो ग्लास एरिया है, पहली बात वो देखो, ग्लास एरिया बहुत ही बड़ा आपको इसके अंदर मिलता है, एक्चुअली बहुत बड़ा है इसके अंदर, जिससे आप इस कार में बैठोगे तो आपको काफ़ी एयरी फील होगा, घुटन जो है वो महसूस नहीं होगी। फिर बात कर लेते हैं डोर ट्रिम की। अब डोर ट्रिम की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका आपको जो डोर लीवर है वो मिल जाता है, मैट फिनिश में मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये शाइनी सा ब्लैक है जो अच्छा लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लास्टिक मटेरियल की। तो प्लास्टिक मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है, लेकिन कहीं पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इसके विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको इसका म्यूजिक सिस्टम जो है यानी कि जो इसका जो स्पीकर है उसकी जगह आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके पास में ही आपको यहाँ पर वाटर होल्डर मिलता है, थोड़ा स्पेस आपको और मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। देखो रियर सीट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके थाई स्पोर्ट की। तो थाई स्पोर्ट, ठीक है, सीट की हाइट जितनी भी हुए ओके है, कमी नहीं है किसी प्रकार की। और बात करें अगर सीट के रिक्लाइन की तो देखो कितनी ज़्यादा उठी हुई है, जिससे आपको थाई स्पोर्ट में जो है
किसी प्रकार की कोई कमी महसूस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर। इसके अंदर आपको दो एडजस्टेबल जो रियर सीट पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा जगह आपको इसके अंदर मिल जाती है, बहुत सारी जगह मिल जाती है। जिस आप जैसे इसके अंदर बैठोगे तो आपको बहुत ही एरी एरी फील होगा, खुला खुला महसूस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बैठकर। अब देखो नी रूम की अगर बात करें तो नी रूम बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो ज़बरदस्त मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जो ये जो सीट है सामने की, ये पूरी तरीके से मैंने पीछे की हुई है, उसके बाद आपके पास इतना जो स्पेस है वो बच जाता है। नी रूम की बात करें तो बहुत ज़्यादा नी रूम आपके पास बच जाता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको बैठने में तो नहीं होगी। अगर हम बात करें थाई सपोर्ट की तो देखो थाई सपोर्ट जो है ना वो बेहतर, अगर आप ऐसे बैठते हो तो थोड़ी कमी आपको महसूस होती है, लेकिन अगर आप ऐसे बैठते हो, ओबियसली लोग जो है ऐसे ही बैठते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है थाई सपोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका जो ग्रिप हैंडल है वो मिल जाता है, जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको मिलता है। अगर बात करें हम तीन जनों के बैठने की तो देखो इसके अंदर आपको प्रॉपर बेंच टाइप सीट मिलती है। ये सीट जो है ना कि सिर्फ दो लोगों के डिज़ाइन लिए डिज़ाइन की गई है, बल्कि तीन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि तीसरे पैसेंजर के लिए आपको थ्री पॉइंट सीट बेल्ट जो है प्रॉपर वो भी मिल जाता है। एक्चुअली ये टू पॉइंट सीट बेल्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, उसकी उसका जो बेनिफिट है वो आपको तीसरे पैसेंजर को जो बेनिफिट है वो मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम्प की। देखो हम्प जो है आपको इसके अंदर ओके हम्प जो है वो मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट इनफ है, जिससे आपको बैठने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको इसके एसी वेंट मिल जाते हैं, और इसके ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जगह मिलती है। फिर नीचे अगर यहाँ पर बात करें तो आपको इसके अंदर जो है वो 12 पावर सॉकेट जो है वो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड जो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको सिल्वरी फिनिश जो है वो मिलती है। लेकिन देखो ये डैशबोर्ड है वो किस चीज़ की आपको, कौन सी कार की आपको याद दिलाता है वो मुझे आप ज़रूर बताना। अब बात करते हैं फ्रंट रो की। देखो फ्रंट रो में सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो रिक्वेस्ट पार्किंग रिक्वेस्ट सेंसर जो आपको मिल जाता है। डोर को करते हैं ओपन। अब देखो अगर डोर ओपनिंग की बात करें तो किसी प्रकार, देखो 90 डिग्री तो नहीं है मानता हूँ, पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत ही वाइड ओपन हो रहा है। देखो कैमरे में आपको जैसा भी नज़र आए, लेकिन जब आप इसे अपनी नज़रों से देखोगे ना फेस टू फेस, तब आपको महसूस होगा कि हाँ इसके अंदर जो है बहुत अच्छा आपको जो डोर ओपनिंग है वो मिलती है। अब डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले इसका जो ग्लास एरिया है बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं डोर हैंडल की, तो ये आपको वही फिनिश में मिलता है। उसके बाद आप नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके ORBM के कंट्रोल, विंडो के कंट्रोल, और इसके चाइल्ड लॉक और लॉक अनलॉक करने के लिए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें भी आपको कहीं पर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इसकी स्पीकर ग्रिल जो है वो मिल जाती है, 4 स्पीकर का इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाटर होल्डर और कुछ स्पेस आपको इस तरह मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसके सीट की। तो सीट की बात करते हैं तो देखो जो सीट एडजस्टमेंट है वो आपको रिक्लाइन, हाइट और आगे और पीछे, ये सभी चीज़ें आपको मैनुअल ही करनी पड़ेगी। सीट मटेरियल की अगर बात करें तो फैब्रिक और लेदर दोनों का मिक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। और अगर बात करते हैं इसके थाई स्पोर्ट की तो देखो ज़बरदस्त थाई स्पोर्ट है, इतनी जगह मिल रही है, उसके बाद भी आपको ये जो सीट है ना ये ऐसे उठी हुई है, देख रहे हो आप खुद ही देख लो, थाई स्पोर्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। सीट की कुशनिंग की अगर बात करें तो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, यानी कि लॉन्ग ड्राइव पे जब भी आप जाओ आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको इसके जो 3 पेडल है वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर और क्या कुछ हमें इसके अंदर मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। तो स्टेयरिंग व्हील जो है ये आपको लेदर रैप्ड एक्चुअली मिलता है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको सभी प्रकार के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो बेसिकली ये आपको मिलते हैं डिस्प्ले के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, और ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो ये आपको मिलते हैं MID और क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए। वॉइस असिस्टेंट का कंट्रोल भी, जो ब्लू लाइन है उसका भी आपको, ब्लू लिंक सॉरी, उसका भी कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाता है। 4 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील है, खूबसूरत है, देखने में अच्छा लगता है, और यहाँ पर आपको सिल्वरिश टाइप की आपको फिनिश मिलती है। हॉर्न की बात करें तो अच्छा खासा हॉर्न इसके अंदर आपको मिल जाता है।
अब कार को कर लेते हैं सबसे पहले हम ऑन, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देख रहे हो क्या ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है, टोटली डिजिटल है, कहीं भी आपको एनालॉग वगैरह सब चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर आपको मिलता है किलोमीटर्स, यहाँ पर आपको मिलती है आरपीएम वगैरह, ठीक है। बीच में आपको एक एमआईडी मिलती है, और उसे कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी इन्फॉर्मेशन जो आपको सभी यहाँ पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस तरफ, तो या इस तरफ आपको मिलते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल, और इस तरफ आपको मिलते हैं इसके हेडलाइट के कंट्रोल। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल की। देखो सेंटर कंसोल में क्या है कि आपको जो इसकी डिस्प्ले है उसकी अगर देखो टच रिस्पॉन्स की अगर बात करें, तो टच रिस्पॉन्स जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा लेगी मुझे लगा, पर फिर भी टच रिस्पॉन्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। एक्चुअली ये लेगी नहीं है, बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाता है। वायरलेस आपको इसके अंदर ऑटो एंड्रॉइड कार प्ले सब वगैरह सब कनेक्टिविटी जो है मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके एसी की। अगर एसी की बात करें तो उसका डिज़ाइन जो है वो ठीक है, और अगर हम बात करें फिर इसके नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो है ना इसका टोटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इसके अंदर मिल जाता है। फिर बात करें देखो इसके नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप सी टाइप ए, और ये आप देख रहे हो इसके अंदर भी आपको टाइप ए मिलता है, लेकिन ये क्या है कि आपने ये देख रहे हो आपको यहाँ पर 12 पावर सॉकेट भी मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना प्लग, ये जो है यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको वायरलेसली चार्जिंग पैड मिल जाता है, उसका जो प्लग है वो मिल जाता है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक चीज़ यहाँ पर लगा कर उसके बाद ये सब चीज़ें आप जो चार्जिंग जो प्लग्स है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ये आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर जो है वो मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस और मिलता है, और ये इसका पार्किंग ब्रेक मिलता है, लेकिन किसी प्रकार का आपको इसके अंदर आर्म रेस्ट जो है वो नहीं मिलता। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको और मिलता है। अब ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इसका ग्लव बॉक्स जो है वो एक्चुअली डिसेंट इनफ है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कूल इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब एसी वेंट के डिज़ाइन की अगर बात करें तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसके अंदर आपको मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके सन वाइज़र की, तो इसके अंदर आपको मिरर तो मिलता है लेकिन लाइट नहीं मिलती। इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ आपको लाइट मिरर दोनों ही मिलते हैं, और टिकट होल्डर जरूर इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर बात करें ग्रे पैनल की, तो सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको इसके अंदर ग्रे पैनल जो मिल जाता। लाइटिंग की बात करें तो हेलोजन के अंदर ही आपको इसकी लाइट जो है वो मिल जाती है। आफ्टर मार्केट चाहो आप LED लगवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको हेलोजन के अंदर ही मिल जाते हैं। 6 एयर बैग इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है ग्लोबल कैप, और साथ ही हमारी सरकार ने भी कहा है कि कार चाहे कोई भी हो, बेस वेरिएंट टॉप वेरिएंट, 6 एयर बैग जो है वो कंपलसरी ही है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे मेन फीचर जो इसकी हाईलाइट है एक्चुअली, सनरूफ। देखो सनरूफ जो है ये आपको मैनुअल करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये कंट्रोल, बस एक बार दबाने के बाद जो है ये सनरूफ ओपन हो जाता है। अब अगर इसके ओपनिंग की बात करें तो आप देख सकते हो इतनी ओपनिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है। फिर जैसे बटन दबाओगे ये तो अपने आप बंद हो जाता है शीशा, और इसको आपको अपने हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको टिल्ट तो मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको नहीं मिलता। अब बात करें अगर हम फिट एंड फिनिश लेवल की, तो देखो हुंडई की जो कार है उनकी फ़िट एंड फिनिश लेवल जो है ऑलरेडी बहुत ही अच्छी होती है, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। फ़िट एंड फिनिश लेवल बहुत ही अच्छी आपको इसके अंदर मिल जाती है, किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो महसूस नहीं होगी। अब मैं जो आपका इसका बोनेट खोल कर आपको इसका इंजन जो है 1.2 लीटर का इंजन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये जो लीवर है ये दिया गया है, बोनेट करते हैं ओपन। देखो वैसे तो हुंडई बोल रही है, उन्होंने अगर सेफ्टी पर बात की तो मैं मानता हूँ कि जो कार की सेफ्टी है वो अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हम जब बोनेट उठाएंगे तब हम इसकी सेफ्टी के बारे में जो है थोड़ी जानकारी तो हो ही जाएगी कि इसके अंदर मटीरियल। एक्चुअली देखो ये जो बोनेट है ना ये काफ़ी भारी भरकम यूज़ है मुझे लग रहा है, और अगर हम फिर भी अगर इससे अगर किसी सेफ्टी का अंदाज़ा लगाएं तो आई होप ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करे। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। देखो इंजन वे जो है पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर का कप्पा एडिशन जो आपको इसके अंदर मिल जाता है।
ABS प्लस ABD की जो किट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी जो इंजन वे है वो आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है मिल जाता है। और जो इसके अंदर जो हुड है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का नॉइज़ कैंसिलेशन जो मटेरियल है वो यूज़ किया हुआ नहीं मिलता। तो बस यही था आज की वीडियो में। सामने अपने हैं हुंडई की एक्स्टर एस एक्स वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। कैसी लगी आपको कार, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।